संविधान विरोधी बात है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की वकालत इस देश में जो करता है वो संविधान विरोधी है, समझ में आना चाहिए आपको। ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने ये बात नहीं कही। ये केवल संविधान के प्रति जिन लोगों के अंदर विद्रोह है वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है। हिंदू राष्ट्र में हमारी बहन बेटियों को घर से खींचोगे? हिंदू राष्ट्र में खुलेआम गुंडागर्दी करोगे? क्या हिंदू राष्ट्र में हमारा बचाव? क्या हिंदू राष्ट्र की विचारधारा? आज संविधान की वजह से गरीब एक बड़े अमीर के साथ लड़ सकता है, कोर्ट में उससे मुकाबला कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। नहीं लगती इनको? अरे इनको कोठी वालियों को, जो कोठे में रहते हैं, इनको उद्योगपतियों को, बड़े बड़े नेताओं को संविधान से दिक्कत है। ये अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं क्योंकि संविधान ने देश को मालिक बनाया है, इन्हें हजम नहीं होता। मोदी जी क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? वो ऐसा ऐसा देश चाहते हैं जिस पर बस मोदी की हुकूमत रहे, कोई और ना बन पाए देश का शासक, जैसे हमारे देश में आज तक कई। ये बात भी नहीं हजम होगी कि आप राजपूत होकर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। क्या राजपूत होकर अपनी देशभक्ति नहीं दिखा सकते क्या हम? गद्दार बन जाए क्या हम? हिंदू राष्ट्र देशभक्ति है क्या? अपने देश को, अपने देश के प्रति षड्यंत्र करना, अपने संविधान के खिलाफ जाना, क्या राजपूतों का ये कल्चर है क्या? छतरी के नीचे क्या बात कर रहे हो? राजपूतों को बदनाम कर रहा है यार तुम तो पत्रकार यार, मतलब बीजेपी का मतलब राजपूत है क्या? कौन है प्रधानमंत्री? राजपूत है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? राजपूतों को बदनाम मत करिए आप, समझ गए? मोदी जी से इतना बड़ा नेता राहुल गांधी से डर रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे डरे नहीं होते तो माइक क्यों बंद होता? सदस्यता क्यों छीनते फालतू में? सदस्यता क्यों छीनते? गलत बात बोलेंगे तो सदस्यता से क्यों गलत बात बोलेंगे? देश के उद्योगपति हमारा देश लूट ले रहे हैं, सारी बैंकें बंद करा दी, आज भी क्यों हमारी बैंक को बड़ौदा उन्हें कर्जा दे रही है? जब सभी विश्व की बैंकों ने कर्जा देने से मना कर दिया तो क्या जरूरत थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ने आज बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्जा दे रहे हैं? कितनी बैंकें बंद करा चुके हैं ये उद्योगपति, ये नीरव मोदी जैसे लोग जो देश छोड़ के भागे, ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए और बैंकें बंद हो गई। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ 2024 से पहले एक तरफ जाति जात का शोर है, दूसरी तरफ हिंदू का शोर है। कोई हिंदू का शोर नहीं है, 2% 2.5% लोग हैं हिंदू का शोर मचाने वाले, मचाते रहेंगे, सरकार बनाएंगे इस बार सरकार। हम देश के नागरिक, हम नागरिक लड़ रहे हैं चुनाव, कोई पार्टी नहीं, बता देंगे किसकी कितनी हिस्सेदारी है। भारत को तोड़ने वालों को जवाब मिलेगा। यानी जाति जनगणना का समर्थन करते? बिल्कुल, जातिगत जनगणना बिल्कुल अति आवश्यक है। प्रत्येक जाति के वर्ग के लोगों को अपनी हिस्सेदारी का पता होना चाहिए कि हमारी देश में इतनी हिस्सेदारी है। उसी हिसाब से उनके लोगों को राजनीति में भी आगे बढ़ाना चाहिए, उसी हिसाब से उन्हें रोजगार भी देने चाहिए। जब जातिगत जनगणना नहीं तो सरकार देश के नागरिकों के लिए किस सूत्र पे काम करेगी? एक तरह के देखा जाता है कि समाज को बांटा जा रहा है, ये जाति वो जाति का। जातिगत जनगणना से समाज बट रहा है क्या? बेवकू की बीवी की बात कर रहा है? समाज तो आरएसएस बांटती है, ऊंच नीच कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? दलित और राजपूत कौन कर रहा है? दलित गुजर और राजपूत कौन लड़ा रहा है? अभी मध्य प्रदेश में गुजरों को मारा है आरएसएस के लोगों ने, आप बताओ। पहले मारते हैं, फिर दालमोट खिलाते हैं, फिर वोट लेते हैं। ऐसे कुट कुट के वोट देने की आदत हो गई है ठाकुरों की, जाटों की और गुजरों की। तो हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, समझ में आया? लेकिन अब ये राजनीति नहीं चलेगी। अब गुजर भी समझ गया है, जाट भी समझ गया है, सिख भी समझ गया है और राजपूत भी समझ गया है, ये हमारी सरकार नहीं है, ये हमारे देश के लोग नहीं है। टीवी अखबार के सर्वे में फिर से आ रहे हैं भैया, अखबार के टीवी के सर्वे सरकार के सर्वे हैं। आज टीवी वो दिखा रहा है जो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है टीवी सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज मोदी सरकार अपने लाभ हेतु कानून बना रही है, अपने इस्तेमाल हेतु कानून बना रही है। डंके की चोट पे कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम करें, डंके की चोट पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। चार चार मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा आपका लोकतंत्र खतरे में है, जो देशभक्त है वो लोकतंत्र बचाएगा, जो दलाल स्वार्थी लुटेरा भ्रष्टाचारी अपराधी है वो आज लोकतंत्र के खिलाफ मतदान करेगा। ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई आज पूरा देश जानता है किसके सहारे पे काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी आज भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जो देश की आवाज उठा रहा है, जो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल रहा है, जो नरेंद्र मोदी की वास्तविकता देश के सामने रख रहा है, उनके ऊपर ये सारे महकमे काम कर रहे हैं। संजय सिंह कैसा झूठा फंसाया गया? 100 करोड़ रुपए कहां है? मेरा ईडी से सवाल है। शराब घोटाले में आरोप है भैया, 100 करोड़ रुपया कहां? अरोड़ा ने दिया, हमने मान लिया, ईडी ने भी मान लिया। अरोड़ा की बात सच्ची है, वो कहा मैं भी तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, कर लो गिरफ्तार है किसी में दम। संजय सिंह को कर लिया क्योंकि वो सरकार में नहीं थे। कहां है वो 100 करोड़? सबूत मिल कहां से आए? किस अकाउंट से आए? कैसे पहुंचे और वो कहां गए? क्या जमीन निकल गई? भ्रष्टाचार ऐसे हो गया क्या? सीएजी की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बात करती ईडी सीबीआई? सीएजी की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बोलते मोदी जी?
सीएजी की रिपोर्ट तो उनकी सरकार की रिपोर्ट है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों ले आए विशेष शस्त्र, देश की जनता को और नेताओं को बिजी कर दिया, भूल गए नेता सीएजी में घोटाला आया सामने, एक सिम से 7.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ पहुंचाया गया, 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम, तो ये सीधा है एक ही सिम से, कौन देगा जवाबदेही, 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बना दी, बताओ घोटाला कौन कर रहा है, संजय सिंह या नितिन गडकरी, कब नितिन गडकरी को पूछताछ होगी इस 2 किलोमीटर की, या चोर जो ज्ञान दे देगा वो हम मान लेंगे, वही राष्ट्रवाद है, चोर ही अपना न्याय करेगा, चोर ही अपने अपने लिए फैसला सुनाएगा। शराब घोटाले में तो कुछ तो गड़बड़ होगी, दाल में कुछ तो भाई, रोड घोटाले में, आयुष्मान भारत घोटाले में भी तो कुछ बात है, उसमें क्यों नहीं जाँच है, अब उसका घोटाला कहाँ गया, अजीत पवार का, शुभेंदु अधिकारी का घोटाला कहाँ गया, जब ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला के शुभेंदु अधिकारी खड़ा था, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में आ चुकी है, तो आप लोग जो मस्का लगा रहे हैं या पॉलिश लगा रहे हैं, वही हम कोई जो है खुल के, अगर हम कोई मस्का नहीं लगा रहे, हम कोई मस्का नहीं लगा रहे, इंडिया अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी है आम आदमी पार्टी, कभी भी फिसल सकती है, डंके की चोट पे बोल रहा है, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, कतई विश्वसनीय नहीं है, हम इसे मोदी की बेटी मानते हैं, क्या कोई इन्हें राष्ट्रवादी माने, इंडिया अलायंस में होने के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल भीड़ी छुरी है अरविंद केजरीवाल, अपनी दिल्ली की सत्ता खो दी, इतनी बड़ी बहुमत की सरकार आज जो कर रहे हैं, कोई पावर नहीं है इनके हाथ में, इन्हें अपने हाथों से कोई अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाई आम आदमी पार्टी, सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए, कैसे आप दिल्ली क्यों नहीं बैठे, आप दिल्ली की जनता के बीच क्यों नहीं आए, अरे दिल्ली जाम रहती 4 दिन, अध्यादेश लाना भूल जाते। एक आखिरी सवाल आपसे, 2024 चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन है, तो जो माहौल बनेगा उस माहौल से विपक्ष लड़ पाएगा? देखिए माहौल बनाने का प्रयास है, देश पहले से जानता है कि राम मंदिर के नाम पर टॉफी बांटी जाएंगी, अब देश ने रेवड़ी खाना बंद कर दिया है, धर्म के नाम पे आज जो देश ने इनकी सत्ता में जो लाए हैं, अब उनके बच्चे भूख से तड़प तड़प के बिना शिक्षा के रहे जा रहे हैं, आज रोजगार नहीं है लोगों पे, मंदिर में रोजगार नहीं है, मंदिर पे रोटी नहीं मिल रही खाने को, अब इतना देश बेवकूफ भी नहीं है कि अब 2024 में वो गलती करेगा जो 2014 में की थी। उद्घाटन से खुश है कि नहीं आप? मंदिर के उद्घाटन से कौन दुखी होगा, हम तो खुश हैं, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी को फांसी पे मठ के अंदर किसने लटकाया, ये अभी तक हिंदूवादी नेता नहीं बता पाए, 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से कैसे चोरी हो गया, 238 किलो सोना जेब में नहीं जाएगा, कैसे उचार लिया, कैसे लगा के फिर सोने की पॉलिश कर दी पीतल पे, ये बहुत बड़ी बात है, इसे बताना पड़ेगा राम मंदिर के उद्घाटन में, ये मंदिरों की चोरी, और कितने मंदिरों से खजाना लूट चुका है हमें तो पता ही नहीं है अभी।